हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को शायद थंबनेल देख के ही पता चल गया है, आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ जियान के दोनों गर्लफ्रेंड के बारे में। तो पहले बात करते हैं बीटीटीएच के मेन फीमेल कैरेक्टर यूनर के बारे में। जैसे कि हमें एपिसोड में दिखाया गया था, यूनर गु क्लान की प्रिंसेस है, जिसको बचपन में ही भेज दिया गया था शाओ क्लान 2 से एम्परर जेड की पीस को लाने के लिए। बट वहाँ पर जाके यूनर को प्यार हो जाता है जियान के साथ, और वो था सच्चा वाला प्यार। और दूसरी तरफ हमारे दिलों में राज करने वाली रानियों की रानी क्वीन मेडुसा, जो एक स्नेक सेक्ट की क्वीन है, क्वीन मेडुसा के साथ जियान तब मुलाकात होते हैं जब मास्टर यालो और जियन ग्रीन लोटस फ्लेम को लेने के लिए जाते हैं स्नेक सेक्ट में। और जब जियन फॉलन आर्ट फ्लेम लेने के लिए ट्विन टावर में जाते हैं, तब फॉलन आर्ट फ्लेम लेते हुए क्वीन मेडुसा के टेम्परेचर चेक करने की वजह से क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसी वजह से क्वीन मेडुसा को बेबी होना है, और इसीलिए जियन ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा के साथ शादी करनी पड़ती है। तो अब हम पावर के बारे में बात करते हैं। रियलिटी में ऑन स्क्रीन ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नहीं दिखा है, फिर भी हम ये दोनों के पावर को कंपैरिजन करना चाहे तो फ्यूचर में ये दोनों ही गॉड लेवल को अचीव करने वाली है, क्योंकि यूनर के पास है उसके खानदानी डूडी ब्लड लाइन और क्वीन मेडुसा के पास है मेडुसा ब्लड लाइन। तो इसीलिए हम दोनों को ही पावर के मामले में एक एक पॉइंट दे देते हैं। हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। क्वीन मेडुसा स्नेक सेक्ट की क्वीन है, इसी वजह से क्वीन मेडुसा के एक ही इशारे पे पूरी स्नेक सेक्ट किसी को ऊपर हमला करने से पहले नहीं सोचेगी। दूसरी तरफ यूनर गो क्लैन की प्रिंसेस है, इसीलिए उसे किसी के साथ डायरेक्टली फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि यूनर के पापा को जब दिखाया जाएगा वो दाउशन पर होगी, और इसीलिए वो उनकी बेटी की प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत पावरफुल बंदे को रखा है, जो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा यूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे सामने कोई भी बंदा आ जाए। ऐसे तो क्वीन मेडुसा भी फाइट करने से पहले नहीं सोचती है उसके सामने कौन है, फिर भी अगर यूनर के जेट प्लस सिक्योरिटी या फिर यूनर के साथ क्वीन मेडुसा के फाइट हो जाती है, मुझे लगता है यूनर ही जीतेगी, क्योंकि स्नेक सेक्ट में क्वीन मेडुसा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मगर गु क्लैन में पावरफुल वॉरियर टोनो के हिसाब से भरी पड़ी है, और वो लोग एक ही इशारे पर किसी के भी काम तमाम कर देगी। बात करते हैं कॉम्बैट फाइट के बारे में। क्वीन मेडुसा को अपने स्नेक सेक्ट और जियन की बनाई हुई के साथ हमने बहुत सारे फाइट लड़ते हुए देखा है। दूसरी तरफ यूनर किसी के साथ भी फाइट करते हुए ज्यादा रूट नहीं होती है, मगर जब बात जियन के ऊपर आती है तब यूनर किसी को मरने के लिए दूसरी बार नहीं सोचती है, और वो जल्लाद बन जाती है। ये नजर हमें देखने को मिलेगी आज से 2-3 साल बाद, जब जियन एक फाइट में बहुत बुरी तरीके से हारने लगेगी, तब वहाँ पर यूनर अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ आ जाएगी, और यूनर अकेले ही आधे से ज्यादा दाउजुंग लेवल के बंदे को मार देगी। उसकी अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगी, एक ही एरो से 2-3 बंदों की छाती फाड़ के निकल जाएगी। तो आप बात करते हैं जियन किससे ज्यादा प्यार करते है, और इसका जवाब बहुत ही आसान है, वो ही यूनर, जियन का बचपन का प्यार। और क्वीन मेडुसा के साथ जियन की शादी एक एक्सीडेंटल मोमेंट की वजह से हुआ है, फिर भी जियन क्वीन मेडुसा की बहुत ख्याल रखते हैं, और उसके साथ साथ उसकी बेटी जाओजाओ को भी बहुत प्यार करता है, और साथ ही यूनर भी जाओजाओ को अपनी बेटी की तरह मानती है, और इसीलिए जियन की प्यार दोनों के लिए सेम है, बट यूनर के लिए जियन की इमोशन बहुत ज्यादा है। तो आप बात करते हैं बीटीटीएस एपिसोड में ये दोनों कैरेक्टर कितने महंगी है। तो इस मामले में भी यूनर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि यूनर के कैरेक्टर को 3 बार बनाया गया है बीटीटीएस के एपिसोड में। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा के कैरेक्टर को 1 बार बनाया गया है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका सीधा सीधा आंसर है यूनर, क्योंकि फ्यूचर में क्वीन मेडुसा का उतना ज्यादा खास रोल नहीं रहेगा बीटीटीएच के एपिसोड में, और आगे जाकर हमें बीटीटीएच के एपिसोड में यूनर और जियन को एक साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही बीटीटीएच की मेन कैरेक्टर है। फाइनली पॉइंट के हिसाब से यूनर क्वीन मेडुसा से जीत जाते हैं, बट क्वीन मेडुसा की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है, और भले ही जियन के लिए दोनों के प्यार जताने के तरीका अलग अलग है, बट दोनों ही जियन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी इस एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।